हेलो फ्रेंड्स, मसाला टॉक्स पर आपका स्वागत है। मसाला टॉक्स में आज हम नवरात्र की डाइट पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम की सीनियर डाइटिशियन परमीत कौर। परमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आज हम नवरात्रों की डाइट के बारे में बात करेंगे और उसी प्रकार कैसे साथ साथ हम बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। परमीत जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर नवरात्र के व्रत रख रहे हैं तो किस तरह की डाइट लें ताकि उनको जरूरी प्रोटीन, मिनरल्स और कार्ब्स मिलते रहें। इस नवरात्र अगर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स अपने पूरे करना चाहते हैं तो जैसे प्रोटीन हमारे कुट्टू के आटे में पनीर हम खा सकते हैं, मिनरल्स हमें नारियल पानी जो कि हम फ्रेश यूज़ कर सकते हैं और नींबू पानी, तो हमारे जो फल और सब्जियां हैं जिससे हमें कुछ प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हद तक आवश्यक रहेंगे। कैलरीज पाने के लिए आप कच्चे केले और कोकोनट के लड्डू ले सकते हैं। परमीत जी, व्रत में रोजाना कितनी कैलोरी लेनी ठीक रहेगी जिससे कमजोरी भी महसूस ना हो? अगर हम पूरे दिन में व्रत की बात करें तो हम पूरे दिन में 1200 कैलोरी ले सकते हैं जो हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। परमीत जी, कई लोग सोचते हैं कि फास्टिंग के जरिए वेट कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इन व्रतों में वो अक्सर कूटू की पकौड़ियाँ जैसी चीजें भी खा लेते हैं जो कि डीप फ्राइड होती हैं। उनके लिए बताइए कि हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। जी हाँ, नवरात्रों में पूरे 9 दिन व्रत रखने से हमारा वेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर इसी दौरान अगर हम कुट्टू की पकौड़ियाँ और ये सब तली हुई चीज़ें खाएंगे जो कि हमारे लिए हानिकारक भी और जिससे हमारा वज़न भी बढ़ सकता है, तो अगर हम हेल्दी की बात करें तो अगर हम सामक का पकौड़ा की जगह हम सामक के पोहे, खिचड़ी, दलिया ले लें तो वो हमारे लिए काफ़ी हद तक सही रहेगा। परमीत जी, ये बताइए, क्या 9 दिनों में वाकई वेट कम हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या जल्दी के चक्कर में कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी हाँ, 9 दिनों में अगर हम नवरात्रों के व्रत के समय अपना वजन कम कर सकते हैं क्योंकि इस समय हम सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पर ही निर्भर रहते हैं और उसी दौरान अगर हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन की संभावना कम से कम हो जाती है। अच्छा, कई लोग पूरे दिन सिर्फ फ्रूट डाइट पर रहते हैं, ये कितना सही है? जी हाँ, पूरे दिन में फ्रूट्स लेना काफ़ी हद तक सही नहीं है क्योंकि इसकी कमी से हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है और इसे लंबे समय तक रखने से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो अगर हम अपनी डाइट में काफ़ी हद तक प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम और बाकी मिनरल्स पूरे कर सके तो हम स्वस्थ जीवन बना सकते हैं नवरात्रि के समय। परमीत जी, जो लोग पहले से डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो फास्टिंग में क्या ले सकते हैं? जो लोग पहले से ही डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो इस समय बस थोड़ा सा ही कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि वो अगर अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में वो पनीर खा सकते हैं या कुछ मखाने ले सकते हैं जिससे उनका प्रोटीन का मात्रा पूरी हो सकती है। और जो कुछ लोग उस समय में आटा या अनाज मना होता है तो हम सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा ले सकते हैं जिस प्रकार से उनका पूरा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा और बीच बीच में वो जैसे मूंगफली, गुड़, मखाने, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कई बार व्रत में पूरे दिन भूखे रहते हैं और एक टाइम खाने पर ओवर ईटिंग हो जाती है। एक एक्सपर्ट के तौर पर वेट लॉस के लिए आप क्या सजेशन देंगे? जी हाँ, व्रत में पूरा दिन भूखा रहकर अगर हम एक समय पे ओवर ईटिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक वो हमारे लिए हानिकारक है, तो यदि अगर हम समय समय पे थोड़ा ही थोड़ा करके खाएं तो हमारी जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी और हमें जो एक ऊर्जा या प्रोटीन चाहिए वो भी पूरा हो सकता है। तो जैसे हर बीच बीच में आप थोड़ा सा अगर अपना नारियल पानी है, नींबू पानी, छाछ वगैरह भी लें तो उससे भी आपको भूख कम लगती है और बीच बीच में अगर फल सलाद का सेवन करें तो आपका जो पूरा बॉडी का पूरे दिन का कैलोरीज है वो भी पूरा हो सकता है। परमीत जी, कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशन होती है जिनकी डायबिटीज, बीपी या कोई और दवाइयां चलती हैं, ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी?
जी हाँ, मेडिकल कंडीशंस वालों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि वो बिना डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह बिना नवरात्रि के व्रत ना रखें, क्योंकि ज़्यादातर खाली पेट रहने से समय समय पर दवाइयाँ भी नहीं ले पाएंगे। और जिन्हें शुगर की बीमारी है वो जैसे आलू है, किशमिश है, ये सब नहीं खा पाएंगे जो कि इस समय व्रत में खा सकते हैं। और ज़्यादातर जिनको बीपी है, अगर वो ज़्यादा समय तक बार बार सेंधा का नमक यूज़ करेंगे और बीच बीच में खाली पेट रहेंगे तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, बट हाँ, जैसे कि सांवर यूज़ कर सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, और हम शुगर वाले पेशेंट्स गुड़ भी नहीं खा सकते हैं, तो अगर हद से ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक या दिन का व्रत रखें, पूरे 9 दिन का व्रत की सलाह नहीं दी जाएगी। कई लेडीज ऑफिस जाती हैं, ऐसे में ऑफिस और घर दोनों का काम देखना होता है और उनका व्रत भी है। हमारे ऐसे व्यूअर्स के लिए एक क्विक और हेल्दी रेसिपी बताएं। अगर मैं हेल्दी रेसिपी की बात करूं तो अगर हम साबूदाना की इडली, जो कि बहुत ही कम समय में बन सकती है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1 कप साबूदाना का पाउडर और 1/2 कप दही रखनी है और बीच में थोड़ा सा सेंधा नमक, कुछ उबली हुई सब्जियां, मूंगफली डाल सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे स्टीम करने के बाद, आप इसका उपयोग कर सकते हैं और साथ में कोई धनिया पुदीने की चटनी ले सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हद तक ऊर्जा भी मिलेगी और आपका पूरे दिन का प्रोटीन भी पूरा हो सकता है। जो भी लोग इस नवरात्र में व्रत रख रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम तली हुई चीज़ें और ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें का इस्तेमाल ना करें तो वो हमारे लिए सेहतमंद रहेगी। हर समय पे थोड़ा थोड़ा ही करके खाएं, बीच बीच में हो सके तो जितना हो सके पानी पीजिए, और अगर आपको पानी नहीं पसंद है तो आप नारियल पानी है, नींबू पानी है, छाछ ले सकते हैं। ज़्यादा बाहर का नहीं, घर का ही बना हुआ खाए, और जितना हो सके फल और सब्जियों का सेवन करें, जिससे आपको विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल सकते हैं। परमीत जी, हमारे व्यूअर्स को इतनी ज़रूरी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अपने खान पान का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कई सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल भेजें, हम अगले मसाला टॉक्स में उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक जरूर दें और इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें।